अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये बकरी एक आई है हमारे पास टेटनस की। तो मैंने काफ़ी दिन पहले इस पर वीडियो लगाई तो एक कोई मलंग साहब थे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको चाननी के अलावा और कोई मर्ज नहीं आता, आप हर वक्त चाननी पे करते रहते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मर्ज है और अक्सर मिस डायग्नोज होता है, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, व्यापारी हैं और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, जो पहले छोटे डॉक्टर पहुंचते हैं, वो कहते हैं जी इन पट्ठियाँ तक जाओ हो गया है, नैरो बयान के टीके लाओ तो ठीक हो जाएगी। अब इसको ये देखें, पूरी अकड़ी हुई है, अगर ये चलने की कोशिश करती है तो ये देखें, ये देखें, ठीक है। किसी भी जानवर को ये एक अलामत होगी कि पूरा जानवर अकड़ा हुआ है, किसी भी जानवर को ऊपर से दबाएं तो वो नीचे जाता है, ये देख रहे हैं, वो जानवर नीचे जाने को तैयार नहीं है, पूरा अकड़ा हुआ है। दूसरी अलामत, जानवर पूरा अकड़ गया है। तीसरी अलामत इनमें होती है कि दुम अकड़ जाती है, इसमें अभी वो नहीं आई, ये देख रहे हैं दुम हिला रही है, मैं नीचे करता हूँ स्लोली वापस आती है लेकिन अभी तक एक्टिव है। और सबसे बड़ी अलामत देखनी है, अब इसकी आँख को आपने देखना है, अभी बिल्कुल ठीक है, ये देखें थर्ड आईलिड जो है तीसरा बरवट्टा वो फौरन नीचे गिरता है, ठीक है, ये देखें नीचे गिरा और फिर स्लोली वापस आता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेटनस की चाननी की अलामत हैं, और इस जानवर की हिस्ट्री भी है कि इसने बच्चा दिया है 15 दिन पहले। बकरियां, भेड़े, गायें, भैंसे, इन पे चाननी का अटैक, टेटनस का अटैक कम होता है बनिस्बत इंसान और घोड़े के, लेकिन बकरियों, भेड़ों को, गायों, भैंसों को जब होता है तो अमूमन उसमें हिस्ट्री होती है कि इसने बच्चा दिया है। बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, उधर से कोई जरा सी मंदिर चला गया है, वहाँ पे उसने अपनी ग्रोथ की है और अटैक कर दिया। अब मसला क्या होगा कि इसमें जानवर मरता कैसे है, ये अकड़ गया, जब ये हॉस्पिटल में आई तो ये उठ नहीं रही थी, जैसे ही इसे हमने स्पोर्ट दे के खड़ा किया ये फ़ौरन जाके इसने पत्ते खाने शुरू कर दिए। अब इसको मैं यहाँ से दबाऊँगा तो ये देखें गर्दन भी नीचे नहीं कर रही, ये पूरा मैं प्रेशर डाल के इसको नीचे कर रहा हूँ, ये बैठ गई है। अब जब ये बैठ नीचे सर नहीं कर सकती, जैसे मैंने नीचे किया उसने खाना शुरू कर दिया, तो वो सिर्फ गर्दन के कड़ाव की वजह से नीचे गर्दन नहीं करेगी, चारा नहीं खा सकेगी, पानी नहीं पी सकेगी और भूख प्यास से मर जाएगी, बीमारी की वजह से नहीं मरेगी। तो पहला इसका इलाज का जुर्म ये है कि आपने इसको खुराक, ये खड़ी हुई है इसके मुंह पे लेवल पे, यहाँ पे रख के इसको चारा देना है, यहाँ पे रख के इसको पानी देना है ताकि इसको जोर ना लगाना पड़े, ठीक है जी। पहली बात हो गई, दूसरी बात बहुत ज्यादा शोर नहीं करना इसके पास, और कोशिश करें इसे किसी साफ सुथरे कमरे में जहाँ कम रोशनी हो वहां पे रखें, क्योंकि आंखों में रोशनी जो जाती है वो भी इस जानवर को तंग करती है, विजुअल स्टिमुलेशन जो है ये भी तंग करती है जानवर को। ये बात हो गई, ये ना हो कि जानवर गिर गया है, आपने सारा दिन जानवर के ऊपर चक्कर नहीं लगाया, जानवर वहीं पे लेटा टांगे मारता मारता सारा जख्मी हो गया, ये तो हो गई इसकी मैनेजमेंट के, इसको बचाना कैसे है भूख से मरने से। इसके आगे इसका इलाज हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जरासीम है, ये कुछ ऐसा जहर बनाता है जो दिमाग का कनेक्शन इसके पट्ठों से तोड़ देता है, पट्ठे अकड़ जाते हैं। सादा जुबान में अगर कहें तो वो कनेक्शन दोबारा बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं, उतने दिन हमने इसको बचा के रखना है, बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज है अगर उतने दिन आप बचा सकें। ट्रीटमेंट क्या होगा, पेंसिलिन लगानी है, सूखा टीका 5 ग्राम टीका इंतहाई फेमस है, कुछ भी नहीं आता, ये 5 ग्राम टीका हर बंदे को याद है, क्यों भाई जी याद जी, बिल्कुल याद, व्यापारियों ने इतना मशहूर कर दिया। बड़ी बकरी है, हम इसको एक टीका सुबह एक टीका शाम लगाएंगे, पट्ठे अकड़े हुए हैं, इसके लिए हम इसको दर्द वाला टीका लाक्सन लगा लेंगे, इस फार्मूले में कोई भी मिल जाए वो लगा लेंगे, 7 दिन ट्रीटमेंट चलेगा और साथ में चलेगी इसकी नर्सिंग केयर, ये जानवर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी और जानवर के नुकसान नहीं होगा इस बीमारी की वजह से। और बाकी अगली बात कि इसका गोश्त बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और ना ही ये बीमारी हाथ लगाने से आपको ट्रांसफ़र होगी, ये बीमारी सिर्फ खुले जख्म में जब जरासीम जाता है तो फिर आपको लगती है,
आपने हाथ लगा लिया उसके बाद हाथ धो लें, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जरासीम कुदरती तौर पे मट्टी में रहता है, हर जगह पे रहता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी और जानवर को लग जाएगी या मुझे लग जाएगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।